Bharti, and this Event Managers Day is the symbol of creating bridges between the culture and bridges between the countries through music, dance and cultures. Please come and discover us. मैं हूँ मुकेश मिश्रा और मैं हूँ आज रहीस भारती के साथ में, जो कि राजस्थान के कल्चरल एम्बेसडर के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं. से हम आज कुछ बात करने वाले हैं जो इवेंट मैनेज डे 31 तारीख को आने वाला है, 31 मई को पूरे वर्ल्ड वाइड मनाने वाला है, और रहीस भारती उसको पूरे वर्ल्ड में प्रमोट ऑलरेडी कर रहे हैं, और वो क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में उनसे बात करते हैं. रहीस भाई नमस्कार. मुकेश जी, मुझे बड़ी खुशी है आज, क्योंकि मैं अभी कुछ 4-5 दिन के लिए इंडिया के विजिट पर आया हूँ. हमारा टूर चल रहा है धोद ग्रुप, ऑलरेडी हम यूरोपियन टूर पर हैं, और ख़ासकर इस साल हम जो करने जा रहे हैं कि इस साल मैं करीब राजस्थान से 50 कलाकारों को लेके जा रहा हूँ, जो ढोल ड्रमर्स हैं, धूत ग्रुप है, ब्रास बैंड है, ये सभी लोग इस साल करीब 6 महीने के वर्ल्ड टूर पर हैं. और एज ए इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इवेंट मैनेजर्स डे, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी हॉनर्ड दैट इवेंट मैनेजर्स ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर एंड वी कैन सेलिब्रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड. यस, सो धोद वर्ड कहाँ से आया और इसको इंटरनेशनली आपने जो पॉपुलर किया है उसके बारे में कुछ बताएं. देखिए, मैं मेरा जो जन्म है जयपुर में हुआ है, लेकिन जो मेरा परिवार है, मेरे दादा परदादा, सीकर के पास एक छोटा सा गांव है धोद, वहाँ से हमारा पूरा परिवार आया है, और वो हमारा ओरिजिन गांव है धोद, जहाँ से मेरे दादा उस्ताद रसूल खान साहब, मेरे परदादा उस्ताद करण खान साहब, और मेरे पिताजी उस्ताद रफ़ीक मोहम्मद, जो बड़े संगीतकार रहे, हमारे संगीत विरासत में मुझे मिला है. तो मैंने चाहा, क्यों नहीं हमारा जो विरासत, जो संगीत जो हमें मिला है, उसको मैं ज़िंदा रखूं. इसलिए मैंने धोद ग्रुप की स्थापना की करीब 17 साल पहले, और धोद ग्रुप की स्थापना करने के बाद राजस्थान के कोनों कोनों से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान से हमने कलाकारों को लेके आए, उनको तैयार किया, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया, और आज करीब पूरी दुनिया भर में 100 से ज़्यादा देशों में प्रस्तुति दे चुके हैं. बहुत बढ़िया. तो 100 से ज़्यादा देशों में आपने अपनी प्रस्तुति दी, तो राजस्थान को लेके पूरे विश्व में लोगों का क्या एक व्यू रहता है? मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान तो इतना खूबसूरत है, ऑलरेडी एक हिस्ट्री है राजस्थान की, जो राजा महाराजाओं की है, पैलेसेज है, तो एक राजस्थान की जो इमेज है पूरी दुनिया भर में, वो कहते हैं 1000 अरेबियन नाइट्स. और क्या लगता है आपको कि चैलेंजेस जो आपको आते हैं, आप 100 कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंडिया को, राजस्थान को, धोद को, तो क्या लग रहा है कि क्या चैलेंजेस हमारे सामने अभी भी हैं इंडियन इवेंट इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने में, लोगों को बताने में कि इंडिया किस तरह का देश है? जैसा आपने बताया कि अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ को लोग ज़्यादा जानते हैं वहाँ पे, जबकि हम इंडियंस जो हैं, अगर आबादी की बात करें तो 125 करोड़ से ऊपर हैं. तो क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडिया जो है अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है सब जगह पर? क्योंकि सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जो जागरूकता, अवेयरनेस नहीं बढ़ पाई है. मैं जब बात करूँगा आर्ट और कल्चर की, क्यों आर्ट और कल्चर की जब बात करते हैं, तो लोग जो यहाँ के जो है उसको म्यूजिशंस को, आर्टिस्ट को इतना वैल्यू नहीं देते, उनके लिए एक सेकेंडरी थिंग है, और लोग इसको एज ए शो बिजनेस देखते हैं. आप कराओ के म्यूज़िक की बात करो या आप मॉडर्न म्यूज़िक की बात करें, तो वो ईजी होता है लोगों को सुनने के लिए, तो वो उसकी तरफ भागते हैं. हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं आज हम अमेरिकन की तरफ भागते हैं, तो हमारे कल्चर को बढ़ावा नहीं देते हैं. जब कोई राजस्थानी म्यूज़िक सुनता है तो लोग कम सुनते हैं, और मुन्नी बदनाम को ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा भीड़ जल्दी होती है, तो ये भी एक बड़ी विडंबना है. लेकिन यूरोप में और वर्ल्ड में हमारे जो ओरिजिनल म्यूज़िक है, पारंपरिक संगीत है, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पाश्चात्यकालीन संगीत जो है उससे वहाँ के लोग परेशान हैं, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी नहीं है. और मेरी कोशिश रहती है जो हमारा ओरिजिन संगीत है उसको ज़िंदा रखें. जैसे मेरी फैमिली में संजय भाई मेरे भाई हैं, जो लीड सिंगर है धोद ग्रुप के, अमृत हुसैन है, टीपू खान है, तो हमारा फैमिली ट्रेडिशन है. और जो लोग छोटे छोटे गांव में रहते हैं राजस्थान में, जो आज चाहते हैं कि हम भी जी पॉप संगीत करें, रॉक संगीत करें, और राजस्थानी संगीत को भूल जाएँ, तो उनको कोशिश करते हैं कि उनको नई दिशा दी जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, ताकि हमारा संगीत ज़िंदा रहे. तो ये मेरी हमेशा चैलेंज रहता है आज. और इस साल जो एक हिस्टोरिकल जो हम करने वाले हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है
हिंदुस्तान के लिए कि जब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बिजनेस की, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बड़ी गौरव प्राउड की बात यह है कि इस साल डिस्नीलैंड पेरिस, उन्होंने आज तक कभी इंडिया को प्रेजेंट नहीं किया, आज तक की हिस्ट्री में पहली बार डिस्नीलैंड इंडिया को प्रेजेंट करेगा। और उसके लिए खासकर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान ऑफ कोर्स इंडिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप राजस्थान को प्रेजेंट करें। तो इस साल हम लोग करीब 4 महीने डिस्नीलैंड में बजाएंगे, जहां करीब 50,000 लोग एवरीडे शो देखेंगे, जिन डिस्नीलैंड के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है वर्ल्ड वाइड, जो आज तक राजस्थान इंडिया को नहीं जानते थे। आप देखिए कि 4 महीने तक 7 days to 7 days 50,000 ऑडियंस एवरीडे इज गोइंग टू डिस्कवर राजस्थान एंड धोद ग्रुप, वी आर गोइंग टू प्ले एवरीडे देयर। फैंटास्टिक, so best wishes for your performance, and we feel that your work is for the event industry, and that's how we are connected, and you are the global ambassador of the event industry, and the 31st May is the event manager's day, so we want some message also from your side. Namaste, I am Rahis Bharti, as a international brand ambassador of event manager's day throughout the world. I would like to invite all the event manager's day all around the world to come and enjoy 31st May. We are going to celebrate. We are inviting the people all around the world who are linked with music, dance, art and culture. And we, and this Event Managers Day is the symbol of creating bridges between the culture and bridges between the countries through music, dance and cultures. Please come and discover us.